आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में अंग्रेजों के समान के राजद्रोह कानून पर अंतिम रोक लगा दी। केंद्र सरकार को करीब 132 साल पुराने इस कानून से जुड़ी आईपीसी की धारा 124A पर पुनर्विचार की अनुमति देते हुए शीर्ष अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि तब तक इसके तहत ना तो कोई FIR दर्ज की जाएगी और ना ही कोई अन्य कार्रवाई होगी। इसका मतलब यह है कि पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी होने तक धारा 124A व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी और निष्क्रिय हो गई है। दो मंत्रियों को चारधाम यात्रा की व्यवस्था सौंपी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की निगरानी और अनुश्रवण के लिए दो कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को केदारनाथ और वन मंत्री सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी दी है। सहधारा रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ कटान पर रोक। हाईकोर्ट ने देहरादून के सहधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पेड़ों के कटान पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी। झारखंड की खनन सचिव पूजा गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनरेगा कोष के गबन से जुड़े मामले में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। आईएएस अफसर के खिलाफ लगातार 2 दिन की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत यह कार्रवाई की गई। केंद्र के निर्देश, गर्मी में सुबह 7 से 12 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। तो भीषण गर्मी और लू को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफॉर्म नियमों में छूट देने के साथ स्कूलों को सुबह 7 से मध्याह्न 12 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं, दिशा निर्देश भेज दिए। मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान खेल और आउटडोर गतिविधियां नहीं कराई जाएं, जरूरी ही हो तो सुबह आयोजन हो। राज्यों व सभी शिक्षा बोर्डों को भेजे दिशा निर्देशों के मुताबिक विद्यार्थियों को धूप में खड़ा नहीं किया जाए, प्रार्थना सभा बंद सभागार या कक्ष में हो, स्कूली बसें व वैन छाया में खड़ी की जाएँ, क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बिठाया जाए, बसों में पेयजल अनिवार्यता उपलब्ध कराएँ। 20 लाख से ज़्यादा जमा निकासी पर 26 से पैन या आधार अनिवार्य। तो सरकार ने जमा निकासी पर पैन कार्ड और आधार से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। एक वित्त वर्ष में 20 लाख से अधिक जमा या निकालने पर पैन या आधार कार्ड देना जरूरी होगा। नए नियम 26 मई से लागू होंगे। सहकारिता गाइडलाइन का भर्तियों में नहीं हो रहा पालन। तो 4 साल पहले बनी भर्ती नियमावली का सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों में संविदा आउटसोर्स भर्तियों में अनुपालन नहीं हो रहा है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद सिंह गढ़वाल सभागार में सुबह 11 बजे से होगी। बैठक में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा भी कई अहम फैसले हो सकते हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर बैठक में चर्चा हो सकती है। शासनादेश जारी न होने से गेस्ट टीचरों में रोष। तो पिछले साल 4 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला होने के बाद अब तक शासनादेश जारी न होने पर गेस्ट टीचर संघ ने रोष जताया। दरअसल सीएम धामी ने पिछले साल अपनी पहली कैबिनेट बैठक में गेस्ट टीचरों के संबंध में 3 निर्णय लिए थे। 2 निर्णय गेस्ट टीचरों के पदों को रिक्त नहीं माना जाना एवं गृह जनपद वापसी था, लेकिन दोबारा सरकार बनने के बाद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। गेस्ट टीचर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही शासनादेश जारी हो जिससे शिक्षकों के भविष्य पर संकट ना आए। वैवाहिक दुष्कर्म पर दिल्ली हाईकोर्ट का बंटा हुआ फैसला। तो वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को बटा हुआ फैसला सुनाया। करीब 7 साल से लंबित इस मामले पर एक न्यायाधीश ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने के पक्ष में फैसला दिया, जबकि दूसरे ने इसके विपक्ष में अपनी राय दी। हालांकि दोनों के पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की छूट दे दी गई है। विदेश जाने वालों को पहले बूस्टर खुराक। तो विदेश यात्रा करने वाले लोग कोरोना टीके की बूस्टर डोज दूसरी खुराक के 3 महीने बाद ले सकेंगे। 1 सप्ताह के भीतर शहर में दूसरा कंटेनमेंट क्षेत्र।
पीसीडीए के आवासीय परिसर में बना माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कोरोना के 12 नए मामले, 16 हुए स्वस्थ। तो कोरोना के मामले में अब बेशक कमी दिख रही है पर चिंता खत्म नहीं हुई है। वायुसेना के रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रण के राजपुर रोड स्थित आवासीय परिसर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनके आवास को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 12 नए मामले सामने आए जिसमें देहरादून में सबसे अधिक 7 लोग संक्रमित मिले। इसके अलावा हरिद्वार व नैनीताल जिले में 2-2 और ऊधमसिंह नगर में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला। बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग को भेजा। तो ऊर्जा निगम ने बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया। इस प्रस्ताव पर मंगलवार को ही ऊर्जा निगम की बोर्ड बैठक में मुहर लगी थी। निगम ने आयोग को बिजली दर में 12.5% का इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है। कैबिनेट बैठक आज, महंगाई भत्ते पर लग सकती है मुहर। तो पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के साथ ही अस्पतालों के आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा रखने पर फैसला हो सकता है। शराब की दुकानें नहीं खुलवा पाने वाले अफसरों का वेतन रोकने का आदेश। तो सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में शराब और बियर की दुकानें न खुलवा पाने पर 5 जिलों के आबकारी अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। इनसे 3 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा है। बुधवार को आबकारी सचिव SC सेमवाल ने यह आदेश दिए। उत्तराखंड की महिलाओं में बढ़ रहा मोटापा। तो उत्तराखंड की महिलाओं में मोटापा बढ़ रहा है। 5 वर्ष पहले राज्य में 20.4% महिलाएं ही मोटापे की शिकार थी। अब यह संख्या बढ़कर के 29.7% तक पहुंच गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सरकारी सेवाएं घर पर मुहैया कराएंगे कर्मचारी। तो सुशासन के दावे को जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार 100 से अधिक सेवाएं ही घर पर डिलीवरी शुरू करने जा रही है। इसमें ज़्यादातर प्रमाण पत्र और ऑनलाइन मिलने वाली सेवाएं शामिल होंगी। इससे लोगों को बेवजह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिल सकता है। केदारनाथ में 10% यात्रियों को पड़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत। केदारनाथ धाम में औसतन 10% तीर्थयात्रियों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में यात्रियों में ऑक्सीजन दिक्कत को देखते हुए अब यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त ऑक्सीजन बूथ और डॉक्टर तैनात करने का निर्णय लिया गया है। चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला ने कराया नामांकन। तो चंपावत उपचुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी और 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। 20 साल से एक ही शख्स दे रहा CM को उड़ाने की धमकी। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों और मुख्यमंत्री को उड़ाने की धमकी एक ही शख्स पिछले 20 साल से दे रहा है। 21 मई को रुड़की स्टेशन पर मिले धमकी भरे पत्र की जांच के दौरान पुलिस को इस तरह के संकेत मिले हैं। इस पत्र में दून, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्सर सहित कई जगहों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। साथ ही CM पुष्कर सिंह धामी को भी धमकी दी गई थी। पत्र आतंकी संगठन जैसे नाम से भेजा गया था जिसके बाद पुलिस तुरंत अलर्ट हुई और पत्र भेजने वाले का पता लगाने में जुटी। जाँच में सामने आया कि पिछले करीब 20 साल से अलग अलग स्टेशनों पर भेजे गए सभी पत्रों में हैंड राइटिंग एक जैसी ही लिखी है, यानी पत्र एक ही शख्स ने लिखे हैं। DGP अशोक कुमार ने बताया कि हैंड राइटिंग जाँच को आधार माने तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 20 सालों से जो अलग अलग स्टेशनों पर समय समय पर धमकी वाले पत्र मिले वो सब एक ही शख्स ने लिखे हैं। ये कोई मानसिक विकृति वाला शख्स हो सकता है, हम उसका पता लगा रहे हैं। वही खबर है देहरादून से, महिला से मारपीट छेड़छाड़ में मुकदमा। तो महिला से छेड़छाड़ मारपीट के आरोपी के खिलाफ पटेलनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दून की 4 ट्रेनें 20 मई को रद्द रहेंगी। तो हरिद्वार से मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच ब्लॉक के चलते 12 से 20 मई तक दून आने और यहाँ से जाने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 20 मई को दून आने और यहाँ से जाने वाली 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। विधवा वृद्धा पेंशन का सत्यापन 25 तक होगा। तो राज्य सरकार से मिलने वाली विधवा वृद्धा और दिव्यांग पेंशन का सत्यापन 25 मई तक होगा। बड़ी बहन से की सगाई, छोटी से हुआ प्यार तो भगा ले गया। तो युवक की जिस युवती से सगाई हुई उसकी छोटी बहन से वह प्यार में पड़ गया। छोटी बहन नाबालिग थी, युवक ने प्यार के झांसे में लेकर लड़की को भगा लिया। लड़की बरामद हुई तो कहानी सामने आई। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से आरोपी को गिरफ्तार किया है।
दून में 180 रुपये लीटर पेट्रोल वाला पंप खुला। तो दून में लग्जरी कारों के लिए पहला हाई ऑक्टेन 100 पेट्रोल पंप का बुधवार को शुभारंभ हुआ। इस पेट्रोल पंप में 180 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। 2 किलो का गैस सिलेंडर भी लॉन्च। तो देहरादून में 2 किलोग्राम गैस वाला छोटा सिलेंडर मुन्ना को भी लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है। चारधाम में तीर्थयात्रियों से वसूले जा रहे मनमाने दाम। तो केदारनाथ धाम में 30 की चाय और 300 रुपये में भोजन की थाली। तो चारधाम में भोजन की थाली पर जिला प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ श्रद्धालुओं से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। केदारनाथ में जहाँ चाय 30 रुपये और भोजन की थाली 300 रुपये की है, तो वहीं बद्रीनाथ में मैगी 50 रुपये की मिल रही है। ITBP देश को मिले 13 युवा चिकित्सा अधिकारी। तो मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस एकेडमी में 6 माह के कठिन प्रशिक्षण के बाद 3 महिलाओं समेत 13 चिकित्सा अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। उच्च प्राथमिक में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति हो। तो प्रदेश के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्यायाम शिक्षक और इंटर कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ताओं की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। इसके लिए बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने बुधवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की। उत्तराखंड में यूपी से भी ज़्यादा बेरोजगारी। तो उत्तराखंड में यूपी से भी अधिक बेरोजगारी है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर में 1 माह में 2% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम बेरोजगारी की रैंकिंग में उत्तराखंड टॉप 10 से बाहर होकर 7वें से 12वें स्थान पर पहुंच गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में मार्च में 3.5% बेरोजगारी दर थी, जो अप्रैल में 5.3% हो गई। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.9% है, जो उत्तराखंड से काफ़ी कम है। मार्च में यूपी में 4.4% दर थी। सबसे कम बेरोजगारी हिमाचल में है, यहाँ 0.2% ही बेरोजगारी है। सेवा योजन कार्यालय में 5 माह बाद फिर लगेगा रोजगार मेला। तो बेरोजगारों के लिए सेवा योजन कार्यालय की ओर से 5 महीने बाद एक बार फिर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 24 मई को आयोजित होने वाले मेले में 20 निजी कंपनियां 480 पदों पर बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। वही खबरें पौड़ी से, 224 छात्रों को दिए गए टैबलेट। उत्तराखंड DLED प्रवेश परीक्षा को लेकर के यहाँ पर एक सूचना प्रकाशित की गई है, जिसमें उत्तराखंड द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2020-21 में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र संबंधी सूचना। तो जिन अभ्यर्थियों ने DLED प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ था, उनकी परीक्षा जो है वो 25 मई को प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। समस्त अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो हैं वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.ukdled.com पर या www.upsc.uk.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड अथवा नाम व जन्मतिथि भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। उनका अभ्यर्थन नितांत अवबंधित है। इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया कि जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है और उसके द्वारा आवेदन किया गया है, तो वह दिनांक 23 से 24 मई को कार्यालय समय में अपने द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रथम परीक्षा शहर में बने नोडल परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा यानी मेंस में सफलता प्राप्त की थी और जिनके डॉक्यूमेंट जो थे वो 7 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक वेरिफिकेशन हुए थे, उनमें कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो अनर्य घोषित किए गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इन अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट हैं उसे संबंधित, तो वो 17 मई तक अपना प्रत्यावेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती शुरू करने को युवाओं ने भरी हुंकार। तो कोरोना काल
के चलते 2 साल से भारतीय सेना की भर्ती पूरी तरह बंद होने से बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। इससे युवाओं में मायूसी के साथ बेहद आक्रोश है। इससे गुस्साए युवाओं ने बुधवार को रानीखेत तहसील मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को ज्ञापन भेजकर सेना भर्ती से रोक हटाकर युवाओं को आयु सीमा में 2 साल की छूट प्रदान किए जाने तथा लंबित लिखित परीक्षा तत्काल कराने की गुहार लगाई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो BECIL में करें आवेदन तो 86 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं UPPCL में खाली पद तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 12 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ONGC में 922 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसमें अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु वर्ग अनुसार निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वैमानिक विकास संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे, तो इंटरव्यू 14 जून को होगा। आज इंटरनेशनल नर्स डे है, तो नर्सेस आपका शुक्रिया। तो हर साल पूरी दुनिया में 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है। नर्सेस के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। नर्सेस डे की शुरुआत साल 1974 से हुई थी। दून में आज साफ रहेगा मौसम, परेशान करेगी धूप और उमस। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, पर्वतीय इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। केदारनाथ में देर शाम तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जबकि बद्रीनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री में भी हल्की बारिश हुई। इसके अलावा मैदानी इलाकों में बादलों के बीच धूप की आंख मिचोली चलती रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश के आसार हैं। वॉल्वो बसों में यात्रियों के बैठने से 30 मिनट पूर्व चालू होंगी AC। जून के दूसरे सप्ताह में आएगा उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। इस बार हाई स्कूल में 129,784 और इंटरमीडिएट में 113,166 छात्राएं पंजीकृत हैं। चारधाम यात्रा पड़ावों पर जाम से बड़ी श्रद्धालुओं की मुश्किलें, तो रोजाना हजारों की संख्या में आ रहे वाहनों के लिए नहीं है पर्याप्त पार्किंग। तीर्थयात्रियों की मौत में दिख रहा कोरोना का आफ्टर इफेक्ट, तो कोरोना वायरस इतनी बड़ी परेशानी बन चुका है कि इस बीमारी की चपेट में आने से लेकर रिकवरी होने के बाद भी ये सिरदर्द बना हुआ है। इस बीमारी के आफ्टर इफेक्ट चौंकाने वाले हैं। कोरोना पॉजिटिव में निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वायरस का शरीर से दुष्प्रभाव खत्म होने में काफ़ी वक्त लग रहा है। बद्री केदार में हृदयाघात से 4 श्रद्धालुओं की मौत, तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 3 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इनमें से 1 श्रद्धालु की मौत पंचम केदार कल्पेश्वर धाम में हुई। उधर केदारनाथ धाम में भी गुजरात के 1 श्रद्धालु ने हृदय गति रुकने से दम तोड़ दिया। इसी के चारों धामों में हृदय गति रुकने से मरने वालों की संख्या 26 पहुँच गई है। पोते का मुँह दिखाओ नहीं तो 5 करोड़ रुपये दो, तो आपने अभी तक बहू से दहेज में नकदी कार आदि मांगने की खबर सुनी होगी। माता पिता की बेटे से नाराजगी के किस्से भी आमतौर पर सामने आते हैं, लेकिन हरिद्वार में एक अनोखा मामला सामने आया। हरिद्वार में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बहू और बेटे से पोते पोती की मांग की है। अगर ऐसा न कर सके तो हरजाना के तौर पर 2.5 करोड़ यानी कुल 5 करोड़ रुपये मांगे हैं। वही खबर आई है श्रीनगर से, घर में घुसा गुलदार पिंजरे में कैद, तो भगवान कमलेश्वर में दिन दहाड़े एक घर में घुसा था गुलदार। राशन कार्ड धारा का पात्र पाया तो होगी कार्रवाई। वही खबर आई है टीरी से, सड़क पर लगे क्रस बैरियर चोरी कर रहे 7 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ऋषिकेश से खबर है 148 यात्रियों को 4 दिन से नहीं मिली बस। हरिद्वार से खबर है व्यापारियों के विरोध के बीच हटाया अतिक्रमण, तो पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने हर की पेड़ी से देवी देवपुरा तक नाले नालियों को कराया अतिक्रमण मुक्त।
वही खबर आई है, विकास नगर से शक्ति नहर में डूबे छात्र का शव इंटेक से बरामद किया गया। डाक पत्थर डिग्री कॉलेज का छात्र झूला पुल के पास डूबकर हुआ था लापता। पुलिस दक्षता परीक्षा की तिथि बढ़ाए सरकार, तो पुलिस आरक्षी की सारी परीक्षा तथा महाविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि एक साथ होने से छात्र पसोपेश में हैं। इस समस्या को लेकर के छात्र पुलिस उपाधीक्षक से मिले, उन्होंने महानिदेशक के नाम का एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। दक्षता परीक्षा पीछे करने की मांग की है। नैनीताल में अब शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल के अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। एक स्टाफ नर्स की दो वार्डों में ड्यूटी, 5 साल से नहीं हुई नई नियुक्तियां। हल्द्वानी के चिकित्सक से 8 साल के बच्चे ने मांगी थी 3 करोड़ की रंगदारी, तो निजी अस्पताल के मालिक व ENT चिकित्सक से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला हापुड़ का 8 साल का बच्चा निकला। बुधवार को वह अपने पिता के साथ हल्द्वानी पहुंचा और चाइल्ड वेलफेयर केयर के समक्ष बयान दर्ज कराए। उसे कहना था कि दोस्त के पिता का नंबर समझकर कॉल किया और मजाक में 3 करोड़ रंगदारी मांगी, मगर डायल किया गया नंबर हल्द्वानी के ENT चिकित्सक का निकला। वही खबर यह है, नैनीताल में BCOM अंतिम वर्ष के छात्र ने लगाई फांसी, तो आत्महत्या करने के कारणों का नहीं चल सका पता। फेसबुक पर प्यार प्रेमी के कहने पर घर से प्रेमिका ने चुराए जेवर, दोनों गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है, फेसबुक पर अनजान युवक से दोस्ती के बाद तलाकशुदा महिला को प्यार हो गया। आरोपित ने शादी का झांसा देकर प्रेमिका से मां के जेवर चोरी करवा लिए, इसके बाद गहने लेकर फरार हो गया। पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। SSP ने टीम को 2,500 रुपये का इनाम की घोषणा की है। वही खबर है, बागेश्वर में युवक 1.5 किलो चरस संग गिरफ्तार किया गया। स्कूलों में 2 साल बाद शुरू होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। अल्मोड़ा में जीवनदायिनी कोशिका अस्तित्व खतरे में है। वही खबर यह है, जसपुर से नकली नमक के 25,000 पैकेट पकड़े, तो कंपनी के डायरेक्टर ने 7 गोदामों में मारा छापा। जोशीमठ पिथौरागढ़ में बनेंगे नए हेलीपैड। 23 तीर्थयात्रियों की मौत पर CMO से तलब की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। वही खबर आई है, उत्तरकाशी से ट्रैफिक प्लान फेल, 4 घंटे की यात्रा में लग रहे 8 घंटे। सोनप्रयाग व गौरीकुंड में 2-2 घंटे रोके गए यात्री। वही खबर है, गोपेश्वर से 19 को हेमकुंड रवाना होगा यात्रियों का पहला जत्था। इंदिरानगर से सीमा द्वार तक चला नगर निगम का हथौड़ा, तो अभियान चलाकर तोड़े कच्चे और पक्के मकान। बसें वर्कशॉप में खड़ी, बस अड्डे पर भीड़ बढ़ी, तो चारधाम यात्रा में भेजने से पूर्व नहीं कराई गई 16 बसों की मरम्मत। शिक्षकों को 4 माह से वेतन नहीं मिला, तो माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा की गई। 400 यात्रियों की जांच कर रहा एक डॉक्टर, तो केदारनाथ में यात्रियों की बढ़ती संख्या के सामने नाकाफी साबित हो रही हैं स्वास्थ्य सेवाएँ। वही खबर आई है, श्रीनगर से मॉडल डेयरी फॉर्म शुरू हुआ नहीं, भरनी पड़ रही हैं किस्तें। श्रीनगर से खबर है, घर में घुसा गुलदार का शावक। बात कर धारावाहिक खबरों की, तो अतिक्रमण पर चला डंडा, पुलिस से धक्का मुक्की हुई। बारिश के बाद पारा लुढ़का, गर्मी से राहत मिली। वही खबर आई है, हरिद्वार से 20 को 4 ट्रेनें रहेंगी रद्द, 6 हरिद्वार तक ही चलेंगी। योगासन में पतंजलि गुरुकुल ने बटोरे कई पदक। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताली खबरों की, तो समतलीकरण के पट्टों से 1.5 लाख लोगों के रोजगार पर संकट है। पहली बनकर रह गई पूनम पांडे की हत्या, तो गोरा पड़ाव में मां का कत्ल और बेटी को किया था घायल, पर्दाफाश नहीं कर सकी पुलिस। वही खबर है, हल्द्वानी से पति के वियोग में पत्नी ने दी जान, तो पति के शव को देखकर पत्नी वियोग नहीं सहन कर सकी, 7 साल की बेटी को छोड़कर पत्नी ने कमरे में फांसी लगा ली। बारिश से बढ़ गया गोला का जलस्तर, नैनी झील भी लबालब हुई है। कांग्रेस की निर्मला समेत 3 ने भरा पर्चा। वही खबर है, लोहाघाट से डुंगरा लेटी के नलाड़ी तोक में पेयजल का संकट बना हुआ है। चंपावत से खबर है, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता डाक पत्र से करेंगे मतदान। 2 और बसें चारधाम यात्रा पर। अल्मोड़ा से खबर है, अल्मोड़ा डिपो की अब कुल बस
कुल 6 बस के जाने से संचालन चरमरा गई है। प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय में जड़े ताले तो अल्मोड़ा जिले के 11 ब्लॉक मुख्यालयों पर मनरेगा भुगतान की मांग के लिए हुआ प्रदर्शन। वहीं खबर अल्मोड़ा से 2 गांजा तस्करों को 10 साल की सजा हुई। शिक्षकों के 18 पर सीजी तैनात हैं, सिर्फ 3 कैसे होगी नर्सिंग की पढ़ाई। वहीं खबर यही है, खटीमा से अतिक्रमण पर गर्जी जेसीबी, टाटा कंपनी का नकली नमक उतार दिया बाजार में।